2007 में जब ओरिजिनल i10 लॉन्च हुई तो उसका एक ही मकसद था। एक्चुअली दो मकसद थे, एक हुंडई की मार्केट में पकड़ बढ़ाना, दूसरा मारुति को ओपन चैलेंज देना। जिंग और गेट्स के बीच में बैठी i10 ओरिजिनली 1.1 लीटर IRDE और बाद में 1.2 लीटर कापा के साथ आती थी, पर हुंडई जानता था कि मारुति को इस गेम में बीट करना मुश्किल है, तो स्ट्रेटजी और फोकस चेंज किया, ज्यादा फीचर्स, बेटर बिल्ड क्वालिटी और टेक्नोलॉजी लाकर। इसीलिए डायरेक्ट कॉम्पिटिशन होने के बावजूद मारुति और हुंडई के अलग फैन बेसेस हैं। ऊपर से i10 में सनरूफ और 4 स्पीड ऑटोमेटिक लाकर हुंडई था रिस्क टेकर। 2010 में i10 को मिला फ्लूइडिक मेकओवर और 2014 में एक्सेंट के साथ डिजायर का कंपटीशन। ओरिजिनल i10 2016 में डिस्कंटिन्यू हो गई। ग्रैंड i10, i20 और क्रेटा जैसी प्रॉफिटेबल कार्स के लिए लगभग 10 सालों में 17 लाख i10 बिकी। रुतबा और फैन फॉलोइंग ऐसी कि आखिरी दिनों तक ग्रैंड i10 के साथ बिकती थी। i10 हुंडई की सबसे पुरानी गाड़ी हो गई थी जो टेक्नोलॉजी, फीचर्स और सेफ्टी में पिछड़ रही थी। वैसे i10 में i का मतलब पता है तो कमेंट्स में बताएं, और कंटेंट अच्छा लगा सब्सक्राइब।